पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कि जब से माननीय कांशीराम साहब ने बाम से डीएसपी की स्थापना की, तभी से मैं इस मूवमेंट में जुड़ा और इस मूवमेंट को मजबूत करने के लिए माननीय श्री कांशीराम जी और बहन मायावती जी के निर्देशन में मैं रात दिन लगा रहा। अपने परिवार की भी चिंता नहीं की। उत्तर प्रदेश और देश के कई प्रांतों में मैंने पार्टी मूवमेंट को मजबूत करने का काम किया और माननीय कांशीराम साहब ने जिस मकसद से ये मूवमेंट तैयार किया था, जो उन्होंने इस देश में गरीबों, मजलूमों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हितों की लड़ाई के लिए संघर्ष किया, पार्टी बनाई और उसको यहाँ तक लेकर आए। आज एक व्यक्ति विशेष का कब्जा होता चला जा रहा है इस मूवमेंट पर। जिन नीतियों के खिलाफ हम लड़ रहे थे, आज उन नीतियों को अपनाया जा रहा है। अभी जो कहा गया, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि आपके बेटे को टिकट नहीं दिया गया इसलिए आपने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी, मैंने बेटे के लिए टिकट मांगा ही नहीं, ना मैंने कोई अपील करी, ना मैंने किसी से कहा। ये तो मेरे पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैंने तो सिर्फ इसलिए बहुजन समाज पार्टी छोड़ी, आप समझ सकते हैं कि मैं 40 साल रहा इधर, मैंने कितनी मेहनत मशक्कत की। मैं 500 साइकिल लेकर 1988 में दिल्ली बोट क्लब पर पहुंचा इस मूवमेंट को मजबूत करने के लिए। मैंने किन मजबूरियों में दुखी होकर, आहत होकर ये पार्टी छोड़ी है, क्योंकि 2-3 साल से मेरे को भी काफ़ी अपमानित किया जा रहा था। जब मेरे को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, राष्ट्रीय महासचिव भी था मैं, मेरे साथ जयप्रकाश को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम किए। लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, बनारस में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इन प्रदेशों में बड़े बड़े प्रोग्राम किए मैंने। यूपी में जब मेरा बड़ा प्रोग्राम हुआ, लोगों की भीड़ आती थी तो हमारी पार्टी के जो दूसरी विचारधारा के लोग आ गए हैं, उनको बहुत बुरा लगा, उनको बुरा लगा, हमारे नेतृत्व को उन्होंने भड़काया कि ये तो काफ़ी अच्छा कैडर देते हैं। तो गलती जयप्रकाश ने की थी, जो कि टिप्पणी की थी उसने राहुल गांधी के ऊपर, गलत की थी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। ऑल इंडिया की मीटिंग बुलाकर पूरे देश के पदाधिकारी के सामने मेरे को 1 घंटा लज्जित किया गया, अपमानित किया गया, मैंने तभी पार्टी नहीं छोड़ी। किंतु आज हम माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा से, सिद्धांतों से भटक गए, हटकर काम कर रहे हैं। आज बहुजन मूवमेंट कमजोर हो गया, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि बेटे को टिकट मांग रहे थे नहीं दिया, तो इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ी है। आरोप लगाया है कि मैं चुनाव हारा। चुनाव कब हारा? जब पार्टी बनी थी। कांशीराम साहब कहा करते थे कि पहला चुनाव हम हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ेंगे, तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। तो पहला चुनाव मैं हारने के लिए लड़ा, दूसरा हराने के लिए लड़ा। जब जीतने की बारी आई तो मेरे को टिकट नहीं दिया गया। मैं संगठन में काम कर रहा था, इसलिए मेरे को राज्यसभा में भेजा, क्योंकि हमको राज्यसभा में भेजा अच्छी बात है, पर हमने भी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाने में अपना पूरा 40 साल का जीवन दे दिया, हमारा भी त्याग समर्पण रहा है। हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमारा मान सम्मान स्वाभिमान नहीं होगा, आज हमारी उत्तर प्रदेश से पहचान खत्म कराई जा रही है। हमारे को कहा जा रहा है कि बीएसपी का पदाधिकारी उनके घर नहीं जाएगा कोई भी। आज जिनको मैंने तैयार किया, मेरे को वो 4-4 मंडल देखते, मेरे को उन मंडल में 1 जिला दिया जाता है काम करने के लिए यूपी में। तो इस तरीके से मेरा अपमान किया जा रहा है, तो इसलिए इन सब बातों को मैंने मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी छोड़ी और समाजवादी पार्टी ग्रहण की। 3 अक्टूबर को माननीय श्री राम गोपाल यादव जी
और माननीय श्री अखिल यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी के पूर्व सांसद जावेद अली खान जी, उनके समक्ष हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ग्रहण की। और मैं बताना चाहता हूं कि आज वर्तमान परिवेश में जो भारत का संविधान खत्म हो रहा है, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा है, क्योंकि किसानों का दमन हो रहा है, क्योंकि केंद्र की और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी विभागों को, सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया और प्राइवेट सेक्टर में देते समय आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। जिस प्रकार से परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की थी, उस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में देते हुए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। आज आरक्षण समाप्त हो रहा है, आज किसानों का शोषण हो रहा है, तो संविधान को कमजोर किया जा रहा है, तो आज संविधान को बचाने की जरूरत है। यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं हटाया गया तो जो आरक्षण बचा वो पूरा खत्म हो जाएगा, भारतीय संविधान को भी ये खत्म कर देंगे। तो आज की स्थिति में, आज के परिवेश में यदि संविधान को बचाया जा सकता है और बीजेपी को सत्ता से दूर किया जा सकता है तो समाजवादी पार्टी के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। सर, जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई है, उस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, जो किसानों के ऊपर एक गृह राज्य मंत्री के द्वारा, उनके बेटे के द्वारा गाड़ी से रौंद कर मारा गया, जिसमें एक पत्रकार बंधु की भी मृत्यु हुई, कुछ किसान यूनियन के साथी मारे गए, कुछ उनके वर्कर भी मारे गए, तो ये जो घटना हुई है इसकी मैं बहुत बड़ी निंदा करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी जो इस बारे में उन्होंने कदम उठाया, कोई अच्छा कदम नहीं उठाया है। उनकी सरकार के द्वारा ये जो दमन किया जा रहा है, आज किसानों का दमन हो रहा है, काले कानून को समाप्त नहीं किया जा रहा है, तो ये जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी में बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा हो उतनी की जानी चाहिए और सरकार को तो इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वीर सिंह जी, जो लखीमपुर में जो मूवमेंट चला है किसानों का, उसमें जो प्रमुख चेहरा है, उस चेहरे को अखिलेश जी के साथ दिखाया जा रहा है और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर जो है लगातार वो वायरल हो रहा है कि साहब वो कहीं ना कहीं उसमें जो है समाजवादी पार्टी का जो है मूवमेंट रहा है या उसमें हाथ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी आज सड़कों पर है, पूरे प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा, उनके आह्वान पर समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन किया गया और तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहा जब तक मान्य अखिलेश यादव जी को नहीं छोड़ा, उनकी अरेस्टिंग कर ली गई थी। तो वो आज सड़कों पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं और लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उस घटना के बारे में भी उन्होंने पुरजोर से अपील की है कि इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, आह्वान किया है उन्होंने, तो उनका बहुत अच्छा कदम है, जनता उनके साथ है आज। सर, 22 के चुनाव तैयार हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, 22 को 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कदम कदम पर फेल है, विफल है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, विकास कोई नहीं हो रहा है, खाली मीडिया के माध्यम से विकास को दिखाया जा रहा है और आज किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, अधिवक्ता, गरीब मजदूर सभी परेशान हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, जब डीजल का दाम बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा तो रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, तो उससे गरीब की कमर टूट गई है आज। तो आज देश की और उत्तर प्रदेश की जनता आज बीजेपी को उखाड़ने के तैयार है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।